subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों से इल्हान और मिलान दोनों की ही डेली रूटीन शेयर करूँगी कि इल्हान मिलान ने सुबह से लेकर रात तक क्या खाया है, इनकी टाइमिंग्स क्या थी विद रेसिपीज़। इल्हान और मिलान सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, दूध पी लेते हैं, दूध पीने के बाद सो जाते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं कोई 10 के 11 बजे और फिर खेलते रहते हैं बच्चे। फिर जैसे ही बच्चों को भूख लगती है फिर बच्चों को नाश्ता बना के देते हैं। 1 बजे इन लोगों ने आज नाश्ता किया जिसमें चीज़ ऑमलेट मैंने बना के दिया था, जिसकी रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी कवर कर लूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट रह जाता है तो उस चक्कर में फिर पूरे दिन की रूटीन में रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ कि ब्रेकफास्ट रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मैं यहीं से स्टार्ट लेती हूँ और फिर इंशाल्लाह पूरा दिन की रूटीन विद रेसिपीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो 1 बजे ये लोग नाश्ता कर चुके थे और अभी तकरीबन यहाँ पर 1:45 हो रहे हैं, तो इन लोगों का टाइम होगा 3 बजे, लेकिन अभी हम लोग नाश्ता करेंगे देर से आज। तो ये है कि बच्चे भी थोड़ा बहुत साथ खाएंगे तो बच्चों का 10-15 मिनट 20 मिनट टाइम थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यानी 3:15-3:30 पर टाइम चला जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दें, फिर आगे वीडियो को शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, तो नाश्ते के बाद बच्चों का अब टाइम हो गया है दोपहर के खाने का और इस टाइम पर हो रहे हैं 3:30। तो मैंने यहाँ पर सिंपल 1 गिलास पानी ले लिया है और ये मेरे पास खिचड़ी मिक्स है जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और मैं इस रेसिपी का लिंक भी अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इसकी रेसिपीज़ देख सकती हैं। बहुत इजी है बनाना ये और सिंपल आप इसे स्टोर कर लें और ये फ़ौरन बनकर तैयार हो जाती है। अभी मैं बनाकर भी दिखा देती हूँ आपको कि ये कैसे बनेगी। तो यहाँ पर ये मैं खिचड़ी मिक्स तकरीबन 3 से 4 चम्मचे भर भर के डालूँगी क्योंकि मुझे दोनों बच्चों के लिए बनाना है। तो ये 3 चम्मचे हो गए और ये 4 चम्मचे हो गए। ठीक है, मैं इसको सिंपल जो है अब विस्कर के साथ इसे विक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लम्स नहीं बनता। अभी थोड़ी सी इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी हल्के से टेस्ट के लिए, दैट्स इट। और फिर 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बटर। घी भी ऐड कर सकते हैं बटर की जगह पर, देसी घी ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसके अलावा नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे थिक होने तक ना हल्की आंच पर पका लूँगी। अभी देखिए ये थोड़ा सा थिक हो चुका है, जब ये मतलब अच्छा खासा थोड़ा सा स्टिकी सा होने लगेगा ना तो उस पॉइंट पे मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी फिर। अच्छा जी, इस पॉइंट पे ना आप, मैंने काली मिर्च ऐड की है, आप इसके अंदर नमक भी डाल सकती हैं अगर आप 1 ईयर प्लस बेबी के लिए बना रही हैं। मैं सारी जितनी भी चीज़ें बनाती हूँ वो इल्हान के मुताबिक बनाती हूँ कि इल्हान के लिए सूटेबल हो, तो मिलहान जो है वो इल्हान को देख देख के खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जैसे तैसे भी नहीं भी अच्छा लगता तो खा लेते हैं। तो ये कि इंशाल्लाह 1 साल के बाद फिर मैं इसके अंदर नमक भी ऐड करूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर आपने अपने बच्चे को स्टार्टिंग से ही नमक टेस्ट नहीं करवाया तो बच्चे को क्रेविंग भी नहीं होगी और फिर बच्चे मांगते भी नहीं है फिर इस तरह की चीज़। तो इसलिए मैंने अभी तक इल्हान को कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलाई जिसके अंदर नमक हो या कुछ भी ऐसा कि इल्हान को फिर क्रेविंग हो। तो खैर, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी, 1/2 गिलास मैंने पानी ऐड किया है और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगी तो एक उबाल आने के बाद मैं इसे ढक दूँगी। तो ये उबाल आ चुकी है, अब मैं इसको सिंपल ढकूँगी और ढक कर चूल्हा हल्का कर दूँगी। तो इससे ये होगा इसकी दाल और जो चावल हैं वो अच्छी तरह से अंदर टेंडर हो जाएंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जी, ये खिचड़ी को तकरीबन कोई 5 मिनट लगेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, एक हिंट देती हूँ छोटी सी। तो खैर, एक न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ जो कि मैं दूँगी इंशाल्लाह 10K सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने के बाद। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और 10K कंप्लीट करवा दें क्योंकि मेरा टारगेट है कि मैं 10K कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये न्यूज़ दूंगी वो देने वाली हूँ। इसके लिए आप जल्दी जल्दी से, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नॉन सब्सक्राइबर हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें
क्योंकि आगे बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ मैं अनाउंस करने वाली हूँ जो कि सब सबके लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि सबके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है थिन, थोड़ा सा मुझे थिक चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, तो मैं ना इसे ऐसे ढक्कन हटे रहने दूंगी और इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करूंगी और इसी तरह पका लूंगी, क्योंकि इसके चावल और जो दाल है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, तो इसके अंदर बस पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह पकाऊंगी कि इससे इसका पानी है वो थोड़ा सूखे और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और एक और बात, जब से गर्मी आई है मैंने बच्चों के जो मील पहले इतना खाते थे तो मैंने इतना कर दिया है। गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को बिल्कुल भूख के मुताबिक नहीं खिलाती, बल्कि साथ ही मैं कोई दूसरी चीज़ सर्व कर देती हूँ, कोई ऐसी चीज़ कि थोड़ी सी हल्की भी हो। तो ये खिचड़ी है, खिचड़ी के साथ मैंने सोचा है कि मैं इन लोगों को आड़ू खिला दूँगी आज एंड में, तो बस ये कि टेस्ट भी चेंज हो जाएगा बच्चों का और जो है वो मतलब सही हो जाएगा मामला, तो आज मैंने ये सोचा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो हर बच्चे की जो खाने पीने की टाइमिंग्स होती हैं, रूटीन होती है, वो डिफरेंट होती है, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो डॉक्टर्स के मुताबिक होना चाहिए कि आफ्टर 8 मंथ्स बच्चे को 3 मील्स एटलीस्ट होनी चाहिए लाजमी, और बच्चा जब 1 साल का हो तो 3 मील्स और 2 स्नैक्स होने चाहिए। लाइक डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि दिन में आप बच्चों का फीडर ख़त्म कर दें बिल्कुल, और अगर आपको दूध देना ही है तो सिपर में दें। और बहुत से लोग मुझे सिपर का भी पूछ रहे हैं कि मैंने सिपर से इल्हान को किस तरह से ट्रेन किया है, तो मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ, ऐसे भी बता देती हूँ वर्बली, और इंशाल्लाह मैं करके भी आप लोगों को इंशाल्लाह एक वीडियो में बता दूँगी। मैंने बेसिकली ये किया था, पाकोला मिल्क का डब्बा आता है ना, उसके अंदर पानी भर दिया था और पानी भर के वो उसके अंदर स्ट्रॉ डाली है और स्ट्रॉ डाल के मैं हल्का हल्का डब्बे को प्रेस करती रही, तो वो स्ट्रॉ में से ऑटोमेटिकली इल्हान के मुंह में जाता रहा पानी, तो इल्हान जैसे ही वो पानी रुका तो इल्हान ने नोट किया कि इसमें से पानी आ रहा था, तो बस इल्हान ने कोशिश की उसको मतलब खींचने की, और 1 हफ्ते तक मैंने इस तरह किया है और इल्हान फिर सीख गए थे। फिर जब मैंने इल्हान को सिपर दिया तो इल्हान ने सिपर से पानी पी लिया था, बस इस तरह से इल्हान को मैंने ट्रेन किया है। तो यहाँ पर खिचड़ी बिल्कुल तैयार है, अब सिंपल मैं खिचड़ी को निकाल रही हूँ, तो यहाँ आधी से भी आधी प्याली मैंने निकाली है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आधी से भी आधी, तो थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी दोनों को। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ फूड रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बीच में बच्चों की कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि व्लॉग इतना लंबा हो जाता है, मुझसे एडिट भी नहीं होता फिर, और इतना लंबा व्लॉग कोई देखता भी नहीं है, तो इसलिए मैं जो है वो सिर्फ फूड रूटीन शेयर कर रही हूँ। रेसिपीज़ भी साथ साथ होती हैं तो वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखा करें और वीडियो बेशक 2x की स्पीड पे देख लिया करें, लेकिन सारी पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि बीच बीच में मैं कोई ना कोई टिप दे रही होती हूँ तो वो फिर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं और फिर कोई ना कोई मिस गाइडेंस हो जाती है, तो इसलिए। बाकी देखें अभी इल्हान सो रहे हैं तो, और इसके अलावा बीच में बच्चे खेल रहे होते हैं तो 2-2 घंटे का जो गैप आता है उनमें मैं कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रही होती हूँ, सिर्फ और सिर्फ फूड रूटीन शेयर कर रही हूँ कि कितने बजे बच्चे खा रहे हैं और किस तरीके से बन रहा है, एंड दैट्स इट। साथ ही यहाँ पर मैं एक एक दोनों के लिए आड़ू निकाल दिया है मैंने, तो ये मैं वॉश करके ये भी एक साइड पर रख दूँगी ताकि जो है वो मैं बस फटाफट इसे कट करूँ और बच्चों को खिला दूँ। अरे 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 अरे, क्या हुआ अचानक? हाँ, वेरी बैड वेरी बैड। ये पकड़ें, ये पकड़ लें, लन पकड़ लें। अरे अचानक क्या हुआ? ये लें पकड़ें, लन पकड़ें। अच्छा एक मिनट रुक जाएं। ये देखा आपने मिलहान क्या हरकत करके गए। अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, यही प्रॉब्लम होती है। इल्हान को इन दोनों को साथ बिठा के खिलाऊँ ना तो मिल्हान पेट भर के खाते हैं, लेकिन फिर मिल्हान इल्हान को नहीं खाने देते। अभी इल्हान सो रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं मिल्हान को खिला के फ्री कर देती हूँ, तो अब मिल्हान की ये बदतमीज़ी शुरू हो गई है और इल्हान के सामने खाएँगे पेट भर के, लेकिन इल्हान को खाने नहीं देंगे, इल्हान को छेड़ते रहेंगे। चलिए पहले पानी पियेंगे। इल्हान उठ गए हैं भाई माशाल्लाह से, अब इल्हान बैठेंगे आगे, ये देखें बैठ गए। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन बस बेटे बस।
इल्हान बस बेटा ये ले, इल्हान बस बहुत सारा पी लिया पानी पहले ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। क्या हुआ? तो यहाँ तकरीबन 4:15 हो रहे हैं और इन लोगों ने खाना खा लिया है अपना इतनी देर बाद। तो खैर अब यहाँ पे सिंपल मैं एक एक आड़ू खिला रही हूँ इन लोगों को। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सही से इन लोगों ने खिचड़ी नहीं खाई है। देखें एक ही बॉल में से दोनों ने ख़त्म किए, इसमें से थोड़ा सा खाया है, ज़्यादा नहीं खाया। ठीक है, उसके बाद ये पानी पिए जा रहे हैं। ज़ाहिर है इतना सारा पानी पियेंगे तो खाएँगे कब, गर्मी की वजह से इतना सारा पानी था। चलें जी, तो अब मैं जल्दी से आड़ू खिला देती हूँ उन लोगों को। मिलहान का खाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमने मिलहान को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है। मिलहान का सिर्फ पानी पीने में इंटरेस्ट है और इल्हान अपनी मील फिनिश कर चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इस तरह से ना पीसेस में कट करके उसके बाद ये पील ऑफ कर लिया था और फिर हाथ से मैश कर करके इल्हान को खिला दिया जल्दी जल्दी, तो इल्हान ने खा लिया। अब ये मिलहान का है, जब मिलहान को भूख लगेगी तो मिलहान खुद ही आ जाएंगे खाने के लिए। और ये भी मिलहान का बच्चा है, जब भूख लगेगी खुद खा लेंगे। तो जी अभी 6:30 हो गए, ऑलमोस्ट बच्चे का टाइम हो चुका है खाने का। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही आधे घंटे पहले ये साबुदाना भिगो के रख दिया था, अब मैं सिंपल इसको चढ़ा दूँगी। इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये थिक होगा और मैं इसको बिल्कुल थिक रखूँगी, पतला पतला नहीं बनाऊँगी। अच्छा देखिए, मैं ये दो बच्चों के लिए बना रही हूँ, लाइक एक 1+ ईयर बेबी के लिए और एक अंडर 1 ईयर बेबी के लिए। तो बनेगी बिल्कुल सेम, इसका एंड में मैं जो है वो थोड़ी सी चेंजेस कर दूँगी, लाइक मैं आधा हाफ करके इसको हटा दूँगी। जो मुझे अंडर 1 ईयर बेबी के लिए चाहिए होगा उसमें मैं कोई फ्रूट ऐड कर लूँगी जो मैं आगे आपसे शेयर करूँगी, और बाकी आधे को मैं मज़ीद प्रोसेस कर लूँगी 1+ ईयर बेबी के लिए। आप लोगों के सामने 4:15 बजे मैंने इल्हान और मिलहान दोनों को ये खिलाने की कोशिश की थी, जिसमें से इल्हान ने खा लिया था और मिलहान ने नहीं खाया था। और अभी इस वक्त कोई 6:30 हो रहे हैं, स्टिल मिलहान ने नहीं खाया है। तो अब देखते हैं कि मिलहान साबुदाना खाते हैं या नहीं। प्रॉब्लम यही है कि 1 साल के बाद बच्चों के साथ डील करना इतना मुश्किल हो जाता है खाने पीने के मामले में। चाहे आपने कितनी ही हेल्दी खिलाने की आदत डाली हो या कितने ही किसी भी चीज़ की आदत डाली हो, 1 साल के बाद एक फेज़ ऐसा आता है जब बच्चे लाजमी नाको चन्नी चबवाते हैं खाना खाने में। तो बस यही है, अब देखते हैं कि मैं ये बना रही हूँ मिलहान खाते हैं या नहीं। पूरे 2 मिनट बाद मैंने इसे अभी उठा के देखा है और ये अभी मुझे एकदम से इतना ज़्यादा थिक लग रहा है। कहने का मतलब ये कि आप ग्रेजुअली इसके अंदर पानी ऐड करें जितने पानी की ज़रूरत है, तो क्योंकि साबुदाने का ऐसा ही है कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और ये क्वांटिटी पर भी डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा बनाती हूँ, 2 बच्चों के लिए बनाती हूँ इसलिए, तो फिर मुझे ये होता है कि मैं जो है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल करती हूँ पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो ग्रेजुअली आप इसके अंदर पानी ऐड करें जितने पानी की ज़रूरत है, बस ट्रांसपेरेंट होने का आपने इंतज़ार करना। तो जी चलें यहाँ पे देख लेते हैं साबुदाना, और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बहुत ज़रा सी कसर है इसमें बाकी। बाकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं आजकल इस तरह की रूटीन आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये आइडिया हो कि डेली बच्चे की रूटीन सेम नहीं होती है, रोज़ाना रूटीन बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि बच्चों के नैप टाइम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बच्चों के खाने पे डिपेंड करता है कि कितने गैप से खा रहे हैं। यूजुअली बच्चे 2 से 2.5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे हो जाते हैं, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है तो इससे आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हम बड़ों को अभी दिल नहीं करता कुछ खाने पीने का, तो फिर ये तो बच्चे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना कितना गैप आ रहा है। सुबह 1 बजे इन लोगों ने नाश्ता किया है, यानी 7 बजे दूध पीने के बाद सीधा 1 बजे नाश्ता किया है बच्चों ने, उसके बाद 3 बजे खाना था तो 3 बजे नहीं खाया, उसके बाद सीधा बच्चों ने 4:30 बजे खाया। तो कितना कितना 3.5 घंटे 4 घंटे इस तरह से गैप आ रहा है। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम 3 मील्स और 2 स्नैक्स बच्चों को ऐड करके दें, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डिपेंड करता है बच्चों की रूटीन पे और वेदर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो टेंशन नहीं लिया करें कि हमारे बच्चे ने इतना नहीं खाया, बच्चे ने थोड़ा भी खा लिया बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। बच्चे को उसके न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए जितनी उसको नीड है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पूरा बाउल भर के ख़त्म करे या ज़्यादा चीज़ें खाए, ऐसा नहीं है। और आप इस गर्मी का मौसम है तो आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें दें बच्चों के इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और बच्चा जो है वो सर्वाइव कर ले इस वेदर में अच्छी तरह से एनर्जी के साथ। तो बातों ही बातों में यहाँ पर जो है साबुदाना बनकर तैयार है, अब सिंपल मैं इसको जो है वो
दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, एक यहाँ और एक यहाँ। खाना तो इन्होंने इतना है नहीं, लेकिन चलें फिर भी हम ट्राई करेंगे। अभी साबूदाना थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या करना है। इन दोनों में डिफरेंट चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर जो साबूदाना है वो ठंडा हो चुका है, तो जो इल्हान को मैं खिलाऊंगी उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बनाना मैश करके। हाँ एक मिनट रुक जाए, ये मैंने साबूदाना इसमें से कम कर दिया, मैं इसके अंदर बनाना ऐड कर रही हूँ। सिंपल अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाँ एक मिनट बेटा। अच्छा इल्हान की मैंने साबूदाने में बनाना ऐड किया और मिल्हान के साबूदाने में मैं यहाँ पर शहद ऐड कर रही हूँ। बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस सर्व कर दूँगी मिल्हान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। नैन कैसा है? अच्छा है भाई, अच्छा है अच्छा है। दिन में एक मरतबा किसी भी चीज़ में अगर शहद ऐड करके दे सकती हैं तो दे दें, एक साल के बाद लेकिन। और अगर नहीं दे सकती तो वैसे ही रात के टाइम शहद एक चम्मच खिला दें बच्चों को। पहले मिल्हान ने ना इस तरह खाना छोड़ दिया था साबूदाना, और अब मिल्हान ने दोबारा से खाना शुरू किया है। प्रॉब्लम यही है कि बच्चों का ना ऐसे ही मूड चेंज होता रहता है, कभी कुछ खाएंगे और कभी कुछ नहीं खाएंगे, कभी इतने शौक से खा लेंगे, कभी देखेंगे भी नहीं उस चीज़ को, तो ये चलता रहता है, इट्स टोटली नॉर्मल। अभी ये देखें थोड़ा सा ही खाया है मिल्हान ने, और अभी ये देखें खा लिया। ये क्या है मिल्हान बदतमीजी, वीडियो में आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा है और खा भी रहे हैं, वीडियो बंद करके अभी मैंने खिलाया है तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रहे थे। चलो फिर वीडियो में खाना है तो वीडियो में ही खा लें। एक साल से जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनको ऐसा बड़ा चमचा रख के ना फिर खिलाना चाहिए, ऐसे देखें मुंह के बराबर चमचा होना चाहिए ताकि जो है ना ज़्यादा ज़्यादा बच्चे खाएं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ये छोटा चमचा रखेंगे नुकसान है, अभी दो तीन चमचों में ही दिल भर जाएगा फिर तंग करते हैं, इसलिए बेहतर है कि ऐसे मुँह के बराबर चमचा रखें और जल्दी जल्दी बच्चों को खिला दें, है ना मिल्हान? मम्मा ने ऐसे मुँह के बराबर चमचा रखा, गिरा दिया आपने। अच्छा चलें कोई बात नहीं, चलें अच्छा बस बस हो गया फिनिश। ये देखें भाई मिल्हान ने ये छोड़ दिया, कोई बात नहीं इतना काफ़ी है। मिल्हान भी उठ गए सो के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं और मैं हर वीडियो में ही बताती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि बच्चों की रूटीन इस तरह से एडजस्ट करूँ कि 10 बजे बच्चे लास्ट फिडर लें और सो जाएं, तो आज भी ऐसा ही है। 7:30 बजे अभी ये लोग खा रहे हैं और तकरीबन आज सारा दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 मील्स लिए हैं, कोई स्नैक नहीं लिया क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और खाने में गैप भी बहुत ज़्यादा था, 3-3, 4-4 घंटे का गैप था, जिसकी वजह से सिर्फ 3 ही मील्स हो सकी, कोई स्नैक नहीं था, तीनों हैवी मील्स थी। अब जैसे कि अभी 7:30 हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 7:30 के बाद 9:30 बजे इनके खाने का टाइम होगा, तो मैं बीच में इनको कोई भी फ्रूट खिला दूंगी एक, तो उससे ये होगा कि इनका टाइम जो है वो सोने का रात में कोई 10:30 बजे के करीब चला जाएगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा, उससे मुझे बच्चों को ईजीली 10:30 बजे तक मसाज करके आराम से और सुला दूँगी। अब देखते हैं मेरा माइंड क्या बनता है इन लोगों को क्या देने का। सोचा तो मैंने ये कि मैं एप्पल स्टीम करके दूंगी, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो मैं देखूंगी कि इन लोगों का क्या मूड है और क्या है समझ आता है, तो वो मैं इन लोगों को सिंपल कुछ हल्का फुल्का से दूंगी ताकि इन लोगों का टाइम सिर्फ 1 घंटा आगे हो जाए, यानी 9:30 से 10:30 पर चला जाए, ताकि फिर ये आराम से 10:30 बजे लोग सो जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 7:45 हो रहे हैं और इल्हान ने खा लिया है साबूदाना। अच्छा जी मैं एक काम करती हूँ कि मैंने ना यहाँ पे चेरीज़ रखी हुई थी फ्रीज़ करके लेके आई थी, तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, जितनी चाहिए थी उतनी मैंने खिला दी थी बच्चों को और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ
कि मैं चारी निकाल के रख देती हूँ ताकि जब तक जो है वो पिघल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चाय, ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप फ्रीज करके रख दें, आराम से फ्रेश रहती है, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती। तो मुझे जितनी बच्चों को खिलानी है ना, ये मैं सारी के सारे निकाल के रख देती हूँ, हम भी खा लेंगे थोड़ी सी सी बहाने। दैट्स इट, बाकी ये मैं फिर वापस रख दूँगी, थोड़ी सी ये बच्चों को खिला दूँगी। तो जी ये 9:15 खा लें फिर बोलूंगी मैं। सवा 9 हो चुके हैं और मैं इल्हान मिल्हान को ये खिला रही हूँ एज ए स्नैक। मिल्हान तकरीबन 10 बजे तक इन लोगों के मालिश होगी शुरू और 10:30 बजे तक इंशाल्लाह ताला इन लोगों को सुला देंगे। इसलिए होते हैं इतने ख़राब हाथ हमारे। तो ये तकरीबन 9:20 हो रहे हैं, इन लोगों ने चेरी माशाल्लाह बड़ी शौक से दोनों ने खा ली। चेरी ख़त्म फिनिश ओह फिनिश हो गई। यहाँ पर 10:10 हो रहे हैं और इल्हान की मालिश भी हो गई है और इल्हान को फिडर दे दिए एंड दैट्स इट। उसके बाद अब इल्हान को सुलाएंगे और मिल्हान अभी नहा रहे हैं, फिर मिल्हान की मालिश होगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 11 बजे दोनों बच्चे सो गए थे और अब खैर से सुबह उठेंगे। होता बेसिकली ये है कि 7 बजे की टाइमिंग फ़िक्स है, कोई भी एक 7 बजे उठता है तो उसकी आवाज़ से दूसरा भी उठ के बैठ जाता है, फिर ये लोग फिडर लेते हैं दोनों और फिर वापस सो जाते हैं और फिर आराम से उठते हैं, कभी 10 बजे कभी 11 बजे। आजकल तो बड़ी अजीब टाइमिंग्स हुई हुई है, कभी 12 बजे उठते हैं। तो खैर बस डाइपर वगैरह मैं चेंज सुबह ही करवा देती हूँ उन लोगों का और फिर वापस ही सो जाते हैं दोनों और फिर उसके बाद रूटीन कंटिन्यू होती है। तो इंशाल्लाह कल की रूटीन भी ऐसे ही कंटिन्यू होगी और मेरी कोशिश ये है कि अब मैं ब्रेकफास्ट से ही बनाऊं, क्योंकि मैं अजीब होश में ही नहीं आई हुई होती उस वक्त, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हुई होती, रात में भी लेट सोती हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाती वीडियो। लेकिन मेरी अब कोशिश है कि मैं कल से ब्रेकफास्ट से वीडियो शुरू करूँ ताकि शुरू से वीडियो शुरू हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।